एचएल टीवी न्यूज। चिका स्थित प्राइवेट अस्पतालों में सीएमओ डॉक्टर वंदना भाटिया कैथल के आदेश अनुसार छापामारी की गई। छापामारी के दौरान डीएसओ कैथल सुनील दहिया व गुला सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। कैथल स्वास्थ्य विभाग की टीम देखते ही प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। बालाजी नर्सिंग में छापामारी के दौरान कुछ दवाइयों को सील कर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए ले गई। डॉक्टर नीलम कक्कर सीएमओ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शिकायत के आने पर ही छापामारी की गई है। कई दिनों से गोला चीका से शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते दो दिनों से सभी निजी अस्पतालों में चेकिंग की जा रही है। सभी रिकॉर्ड व कुछ दवाइयों को सील कर लिया गया है, जो जांच के लिए लैब में भेजी जाएंगी। उसके बाद ही कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जो कंप्लेंट हमें की थी, उसके आधार पे जो जो हमें यहाँ लगा, हमने वो सील कर लिया है। अभी जांच चलेगी, ये कमेटी दोबारा बैठ के हम सारा इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे। इनके रजिस्टर्स और कुछ सामान हमने सील किया है, उसके आधार पे जो भी कार्रवाई करनी होगी फिर हम करेंगे। तो मैडम, एक निजी समस्या, निजी नर्सिंग होम में अनक्वालिफाइड स्टाफ की सबसे बड़ी समस्या क्या, उसकी भी जांच की जाएगी अन्य नर्सिंग होम में? इसमें जो हमें कंप्लेंट है वो अनक्वालिफाइड स्टाफ की ना होकर वो दूसरी कंप्लेंट है, उसकी जांच, जो भी जांच रिपोर्ट बनेगी, जो भी हम एक्शन लेंगे आपको बता दिया जाएगा। उनको जो जो चीज़ चाहिए थी हमने उनका सहयोग दिया है, तो वो अपनी जांच करेंगे, हम उनकी जांच में पूरा सहयोग देंगे। देखा गया है कि कुछ दवाइयां मिली हैं और उसको सील कर दिया गया है? सील नहीं किया, हर किसी भी हॉस्पिटल में जब रूटीन की चेकिंग होती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ लेके जाते हैं, ताकि उसको हम जाँच कर सकें भी ये सही भी है या नहीं, वो सब रूटीन में ले गए हैं। रूटीन में कहीं भी जाएगी कोई टीम, वो रूटीन में कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आती है जांच के लिए। तो सर, बता सकते हैं डिपार्टमेंट ने चेकिंग के दौरान आप कौन कौन से रजिस्टर जो है और कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ से? वो सारी रूटीन के अंदर, दवाई वगैरह तो कोई ऐसी नहीं है, पर रूटीन के अंदर जो रजिस्टर है ओपीडी का, डिलीवरी का, सारा वो चेक कर रहे हैं। गोला चीका से हलचल टीवी के लिए बबल कुमार घगत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।